ग्रीन पीस हमारी बहुत अच्छी फ्राई हुई है, बहुत अच्छी टेस्टी बनी है। आप लोग बार भी बनाएं और बना कर देखें और खा कर देखें कैसा बनी है। चलो शुरू करते हैं बनाना। आज हम लोग 1 किलो वटाने, इसको मटर बोलते हैं, ग्रीन पीस 1 किलो ले लिए हैं, एकदम फ्रेश है ये। इसके दाने निकाल लेंगे हम, ये दाने ऐसे निकाल लेंगे पूरे। अब ये हमारे देखो छील कर तैयार हो गए हैं, इतने दाने निकले हैं। अभी सर्दी का मौसम आ गया, अभी वटाने बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अभी हर कोई इसको बनाना चाहता है, आप इसको भी बना कर देखिए कैसे बनता है। अब इसको हम एक बार वॉश कर लेंगे, फिर इसको बनाएंगे। ये वटाने हमने ग्रीन पीस दो कर ले लिए, इसको साफ़ हो गया एकदम ये। अब हम 5 मिर्ची ले लेंगे, इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। 1 प्याज मीडियम ले लेंगे, इसको भी बारीक कट करेंगे। और ये 1/2 टीस्पून नमक है, बस इतना ही सामान इसको लगेगा। बहुत कम सामान है और बहुत टेस्टी बनता है, आप भी बनाकर ज़रूर देखें। अब आगे क्या करना है हम आपको बता रहे हैं। एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसको गरम कर लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। अब तेल हमारा हो गया है, अब इसमें प्याज डाल देंगे जो बारीक बारीक कट करके रखे थे। इसको हम लोग कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर का टेस्ट अलग होता है। इसमें बनाएंगे सोलो सोलो, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको जल्दी है तो कुकर में फटाफट 5 मिनट में बन जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत टेस्ट अच्छा आता है इसका। प्याज हमारी हो गई है, इसको ज़्यादा काली नहीं करेंगे, इसको लाइट ब्राउन ही रखेंगे, नहीं तो उसका कलर अच्छा नहीं रहेगा। फिर ये ग्रीन चिली इसमें डाल देंगे जो कट करके रखे थे, इसको भी थोड़ा होने देंगे 1 सेकेंड के लिए। गैस फास्ट कर देंगे। अब ये मिर्ची भी हो गई है, अब ये हम ये धोकर रखे थे ग्रीन पीस, इसको इसी में डाल देंगे। अब गैस स्लो कर देंगे। इतने कम टाइम में और इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतना अच्छा बनता है ये। बस अब इसको मिक्स कर दिए हमने, और ये जो नमक रखा था 1/2 टीस्पून, इसको इसी में डाल देंगे। ये हमने 1 किलो के हिसाब से बनाया, आपको ज़्यादा बनाना है तो आप उसी हिसाब से सामान डबल कर सकते हो। और इसमें पानी एकदम नहीं डालेंगे, जो धोए थे हमने उसमें थोड़ा पानी रह जाता है, उसी में ये पक जाता है। अब इसको ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए रख देंगे, 15 मिनट बाद हम खोल कर देखेंगे कि पका है या नहीं। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल कर देखेंगे कैसा बना है। ये देखो पानी इसका पूरा ख़त्म हो गया, एकदम जल गया और ये एकदम अच्छे से फ्राई भी हो गए। अगर आपके उसमें थोड़ा पानी बच जाता है तो उसको और 5 मिनट रख सकते हो, लेकिन इसमें पानी नहीं है, पूरा तेल है ये। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये एकदम अच्छे से देखो गल गए हैं, देखो सब फूट जा रहे हैं। बहुत अच्छा गला हुआ है, देखो फूट जा रहा है। अब इसको हम सर्व करेंगे। अभी हम फ्राई पैन में बनाकर बताया, अभी कोई दिन इसको कुकर में भी बताएंगे आपको। जब थोड़ी कड़क हो जाती है वटाने तो उसको कुकर में ही ज़्यादा अच्छा बनता है। वो ग्रीन पीस फ्राई हमारे तैयार हो गए हैं, अब इसको आप ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में या कोई आ जा रहा है मेहमान के लिए 10-15 मिनट में फटाफट इसको तैयार कर सकते हैं। आप लोग इसको बनाकर ट्राई करें, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।